सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास सिक्स साइंस का चैप्टर थ्री, जो कि है फाइबर टू फैब्रिक के क्वेश्चन आंसर्स। सो ये बुक से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि पेपर में यूजुअली आते हैं। और इससे पहले वाले पार्ट वन में हमने चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो बना रखी, और इसके अगले वाले पार्ट में, पार्ट थ्री में, हम चैप्टर टेस्ट करेंगे, जिसमें कि FIBs होंगे, मैथ द फॉलोइंग होंगे और ट्रू फॉल्स होंगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। सो क्वेश्चन है कि नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर में क्या फ़र्क है। सो इससे पहले अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो ये वीडियो आपके लिए उतनी बेनिफिशियल नहीं होगी। सो पार्ट वन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप पहले उस जाके देख लीजिए, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। सो इसका आंसर क्वेश्चन था कि नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर में क्या डिफरेंस होता है। सो सम फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। सो वो फाइबर्स जो कि प्लांट और एनिमल से मिलते हैं उन्हें कहते हैं नेचुरल फाइबर्स, जैसे कि कॉटन, जूट और सिल्क। और वही फाइबर्स, द फाइबर डेट आर ऑब्टेन फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेज आर नोन कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। सो वो फाइबर्स जो कि केमिकल सब्सटेंसेज से मिलते हैं उनको कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। फॉर एग्जाम्पल नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक एक्सेट्रा। सो एक्रेलिक भी एग्जाम्पल है। सो नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? नेचुरल फाइबर्स वो फाइबर्स जो कि हमको प्लांट एंड एनिमल से मिलते हैं, सिंथेटिक फाइबर वो फाइबर जो कि मैनमेड होते हैं और केमिकल से बनते हैं, और सिंथेटिक फाइबर को मैनमेड फाइबर भी कहते हैं। ये हमने पार्ट वन में देख रखा है। सो क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाट इज गिनिंग, कि गिनिंग क्या होता है। सो पार्ट वन में देख रखा है गिनिंग क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द सीड्स फ्रॉम द कॉटन फाइबर इज कॉल्ड गिनिंग। तो गिनिंग क्या होता है? जो कॉटन फाइबर होता है जब वो मैच्योर जाता है तो उसके अंदर सीड्स होती हैं, और उन सीड्स को रिमूव करने के प्रोसेस को बोलते हैं गिनिंग। सो क्वेश्चन नंबर थ्री है, राइट द डिफरेंस बिटवीन वीविंग एंड निटिंग। सो क्वेश्चन है कि आपको वीविंग और निटिंग में डिफरेंस बताना है। सो इसको हमने पार्ट में देख रखा है, हमने इसको डायग्राम के हेल्प से देखा था। सो अगर आपको ये अच्छे से समझ रहे हैं तो आप पार्ट में देख लीजिए। सो वीविंग, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। वीविंग क्या होता है? वीविंग वो प्रोसेस है जिसमें कि हम टू सेट्स ऑफ यार्न, दो सेट्स ऑफ यार्न को अरेंज करते हैं एक फैब्रिक बनाने के लिए। और वही निटिंग क्या है? निटिंग में हम एक सिंगल यार्न को, सिंगल सेट ऑफ यार्न को अरेंज करते हैं एक फैब्रिक बनाने के लिए, और निटिंग को हम हैंड से भी करते हैं और मशीन से भी करते हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि वीविंग में हम टू सेट्स ऑफ यार्न अरेंज करते हैं, मतलब कि हम ऐसे एक सेट ऐसे और एक सेट ऐसे अरेंज करके फैब्रिक बनाते हैं। और निटिंग में हम क्या करते हैं? हम एक सेट ऑफ यार्न को अरेंज करके फैब्रिक बनाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाउ इज जूट ऑब्टेन, कि जूट कैसे ऑब्टेन होता है। तो इसका आंसर देखते हैं। जूट फाइबर इज ग्रोन इन रेनी सीजन। तो जूट फाइबर को हम ग्रो करते हैं रेनी सीजन में। इन इंडिया इट इज़ ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, असम एक्सेट्रा। सो इंडिया में ये ग्रो होता है वेस्ट बंगाल में, असम एक्सेट्रा में। जूट प्लांट इज जनरली हार्वेस्टेड ड्यूरिंग द फ्लावरिंग स्टेज। तो जूट प्लांट को हम हार्वेस्ट करते हैं फ्लावरिंग स्टेज में। फ्लावरिंग स्टेज का मतलब है जब उसमें फ्लावर्स आना शुरू हो जाते हैं। द स्टेम्स ऑफ द प्लांट इज इमर्स्ड इन वाटर फॉर फ्यू डेज। सो जब इसे फ्लावरिंग स्टेज हो जाती है, जब ये फ्लावर में आने लगते हैं, तो हम इसे कट कर लेते हैं, और जो उसकी स्टेम होती है उसको हम वाटर में इमर्स कर देते हैं कुछ दिनों के लिए। व्हेन द स्टेम रॉट्स द फाइबर आर सेपरेटेड फ्रॉम हैंड्स। और जब जो स्टेम है ये सड़ जाती है, ये रॉट हो जाती है, फिर हम इसमें से वो फाइबर को ऑब्टेन कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फाइव है, नेम सम अनस्टिच क्लोथ यूज नाउडेज। सो क्वेश्चन नंबर फाइव है कि आपको कुछ अनस्टिच क्लोथ बताने हैं जो कि आजकल यूज होते हैं। तो इसका आंसर है, नाउडेज अनस्टिच क्लोथ लाइक साड़ीज, धोतीज, लुंगीज और टर्बन्स आर यूज। कि आज साड़ीज, धोतीज, लुंगी एंड टर्बन्स यूज होती है। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट हैपन्स आफ्टर मैच्योरिंग ऑफ फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल्स। तो क्वेश्चन है कि जब जो कॉटन प्लांट होता है उसका जो फ्रूट है यानी कॉटन बॉल, जब वो कॉटन बॉल मैच्योर हो जाता है, मैच्योर मतलब जब वो एक्चुअली ग्रो हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, मतलब उसके बाद उससे कैसे फैब्रिक या फाइबर ऑब्टेन करते हैं। आफ्टर मैच्योरिंग
The ball burst open and seeds covered with cotton fiber can be seen. The cotton can be pegged. So, इसका मतलब क्या है कि जब ये मैच्योर हो जाता है, जैसे कि अब ये प्री मैच्योर कॉटन, मतलब अभी ये मैच्योर नहीं हुआ, और जब ये मैच्योर हो जाएगा सो ये जो बर्स्ट हो जाएगा और इसमें से ये जो कॉटन बॉल्स हैं, ये कॉटन बॉल्स जो हैं ये बाहर आ जाएंगी. पर ये जो कॉटन बॉल्स होती हैं इनके अंदर सीड होती है, जैसे कि ये सी यहाँ पर लिखा है कि सीड्स कवर विथ कॉटन फाइबर, मतलब कि ये सीड है और इसके तरफ ये कॉटन फाइबर, ये जो वाइट वाइट है ये कॉटन फाइबर है और इनके अंदर क्या है, सीड्स है, और इन सीड्स को रिमूव करना पड़ता है. और सीड्स को रिमूव करने के प्रोसेस क्या बोलते हैं, गेनिंग. ये हमने ऊपर पढ़ा था. सो मैच होने के बाद क्या करते हैं, मैच होने के बाद जो वो प्लांट है वो बर्स्ट हो जाता है, और बर्स्ट होने के बाद उसमें से कॉटन बॉल बाहर आती है, और फिर ये कॉटन फाइबर जो होता है, यही फाइबर है वो कॉटन फाइबर बाहर आता है, और इस फाइबर को फिर हम निकाल लेते हैं और फिर उसमें सीड निकालते हैं, और उसको सीड निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं गिनिंग. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉटन यार्न फ्रॉम कॉटन फाइबर. तो क्वेश्चन है कि कैसे कॉटन फाइबर से कॉटन यार्न बनता है, ये हम देखने वाले हैं. द कॉटन बॉल्स आर ऑफ द साइज ऑफ अ लेमन. जैसे कि हमने देखा कि जो कॉटन बॉल्स हैं ये एक लेमन के साइज की हैं. आफ्टर मैच्योरिंग इट बर्स्ट आउट एंड द कॉटन फाइबर अपीयर. सो मैच्योर होने के बाद ये बर्स्ट होती है और कॉटन फाइबर बाहर आता है. बट दीज कॉटन फाइबर कंटेन सीड्स विच नीड टू बी रिमूव. पर इस कॉटन फाइबर में सीड होती हैं और सीड्स को हमें रिमूव करना पड़ता है उस यार्न में कन्वर्ट करने के लिए. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सीड्स फ्रॉम द फाइबर इज नोन एज गिनिंग. और वो प्रोसेस जिसमें से कि हम सीड निकालते हैं फाइबर से, उस प्रोसेस को बोलते हैं गिनिंग. गिनिंग वॉज अर्लियर डन विथ हैंड्स बट नाउ डेज मशीन्स आर यूज. सो पहले गिनिंग को करते थे हैंड से, पर अब मशीन्स यूज होती हैं. आफ्टर गिनिंग द कॉटन फाइबर इज देन कन्वर्टेड इन टू यार्न. और फिर गिनिंग के बाद कॉटन फाइबर को कन्वर्ट कर देते हैं यार्न में. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पिनिंग. सो हमने पढ़ा है पार्ट में स्पिनिंग क्या होती है. स्पिनिंग वो प्रोसेस है जिसमें कि एक फाइबर को कन्वर्ट करते हैं यार्न में. क्वेश्चन नंबर 8 है. तो क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द फेवरेबल क्लाइमेट सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन वेयर इट इज इन इंडिया. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको कॉटन ग्रोथ ग्रो करने के लिए आपको फेवरेबल क्लाइमेट बताएं कि कौन से क्लाइमेट में ग्रो होता है, कौन सा सॉइल बेस्ट है उसके लिए, और कौन से स्टेट में वो ग्रो होता है इंडिया में. तो इसका आंसर देखते हैं. कॉटन इज ग्रोन इन प्लेसेस हैविंग वार्म क्लाइमेट एंड ब्लैक सॉइल. सो कौन सा क्लाइमेट अच्छा होता है, क्लाइमेट अच्छा होता है वार्म क्लाइमेट यानी कि समर सीजन, और कौन सॉइल अच्छी होती है, सॉइल अच्छी होती है ब्लैक सॉइल. तो कॉटन कहाँ ग्रो होता है, कॉटन वहाँ ग्रो होता है जहाँ पे वार्म क्लाइमेट हो और ब्लैक सॉइल हो. कॉटन इज ग्रोन इन पंजाब गुजरात महाराष्ट्र एक्सेट्रा. तो इंडिया में कॉटन ग्रो होता है पंजाब में, गुजरात में और महाराष्ट्र में. तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 ये है, हाउ डिड खादी बिकम पॉपुलर इन 90s. सो आपको बताना है कि 90s के टाइम पे खादी कैसे पॉपुलर हुआ. इट बिकेम पॉपुलराइज बाई महात्मा गांधी. तो इसको पॉपुलर करा था महात्मा गांधी ने. He encouraged the people to wear cloth made of handspun yarn called khadi rather than that were made in Britain. So Mahatma Gandhi ने encourage करा था people को कि वो handspun yarn पहने, और उन handspun yarn को कहते हैं khadi. तो महात्मा गांधी ने encourage करा था कि वो handspun yarn पहने जिसे कि खादी कहते हैं, रेदर देन वो फाइबर जो कि ब्रिटेन में बनते हैं. टू मेक इट मोर पॉपुलर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन वॉज सेट अप इन 1956. इसको मोर पॉपुलर करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन. ये सेटअप हुई थी 1956 में, और इसका मेन मोटो था कि ये खादी को मोर पॉपुलर बनाए. सो हमने यहाँ पे टू वेज पढ़े कि कैसे खादी पॉपुलर था, एक महात्मा गांधी की वजह से और एक खादी एंड विलेज कमीशन इंडस्ट्री कमीशन की वजह से. सो क्वेश्चन नंबर टेन है नेम सम एनिमल फाइबर एंड प्लांट फाइबर. सो आपको कुछ एनिमल फाइबर बताने हैं और कुछ प्लांट फाइबर बताने हैं. सो प्लांट फाइबर
प्लांट फाइबर हुए जूट एंड कॉटन, जिसमें कि हमें जूट मिलता है, जूट एंड कॉटन मिलते हैं प्लांट से, और एनिमल फाइबर हुए वूल एंड सिल्क, और वूल जिसमें कि वूल हमको मिलता है गोट शीप याक रैबिट कैमल के फ्लीस से, फ्लीस मतलब होता है हेयर। सो मिली तो हमें मिलता है गोट और शीप के फ्लीस से, पर बहुत कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे याक रैबिट और कैमल का सीप भी कैमल का फ्लीस भी बहुत पॉपुलर है। और सिल्क फाइबर, सिल्क फाइबर ऑब्टेन होता है सिल्क वर्म के कोकून से। तो सो हमको पूछा था कि हमें कुछ प्लांट फाइबर बताना है, कुछ एनिमल फाइबर बताने हैं। तो प्लांट फाइबर में हमने जूट और कॉटन पढ़े, और एनिमल फाइबर में हमने पढ़ा वूल और सिल्क। सो बस 10 क्वेश्चन थे ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पेपर में जनरली आते हैं, आप इनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।